आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास सेवेंथ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 बहुत ही ईजी है। ये हमारा चैप्टर 3 से और डाटा हैंडलिंग, ठीक है, डाटा हैंडलिंग से ये हमारा चैप्टर है और ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। देखिए, हम इस क्वेश्चन को पहले से लिख करके रखे हुए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कहा है कि अपने क्लास में, आप क्लास सेवेंथ में हो, तो क्या बोला है कि फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, यानी आपको रेंज बताना है। क्या बताना है? रेंज। और कहाँ पर आपको कोई भी आपके क्लास में 10 स्टूडेंट को लेकर के। अब रेंज क्या होता है? तो देखिए, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे तो हमारा रेंज निकलता है। तो आपको बात की अभी समझ में नहीं आ रही होगी, तो आप क्या करो, आपको ये बोला है कि एनी 10 स्टूडेंट का आपको क्या करना है, 10 स्टूडेंट को लेना है। आपका क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे लेकिन उनमें से 10 स्टूडेंट एंड 10 स्टूडेंट को लेना है। देखो कैसे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम 10 लड़का का सीरियल नंबर बनाते हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ और ये 10। 10 को लेना है। यहाँ से इसका सीरियल नंबर देंगे, इसमें सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, कौन कौन स्टूडेंट को लेंगे उनका नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद हाइट, HEIGHT, हाइट इन फीट, यानी उनका फीट में लेंगे, ठीक है। देखो आपका क्वेश्चन कहा है कि 10 स्टूडेंट को लेना है, तो एक, दो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और एट 10। 10 स्टूडेंट हो गए। अब इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, आपके क्लास में जो जो स्टूडेंट हैं उनका नाम ले लो। मान लो कि हम लेते हैं सबसे पहले अमर, उसके बाद उदय। अमर का जो हाइट है वो हाइट है 4.2, ठीक है। उदय का जो हाइट है यह है इसका 5.11। उसके बाद अंकित, अंकित का हाइट है 5.10। उसके बाद अमन, अमन का हाइट है 5.8। उसके बाद मान लो नेहा, लड़की भी हो सकती है, नेहा का हाइट है 4.9। उसके बाद आप कोई भी नाम ले लो, ज्योति, ज्योति का जो हाइट है 5.3। उसके बाद प्रियंका ले लो, प्रियंका का हाइट है 5.4। ऐसे ही और लो तीन लोगों को, आपके क्लास में दिव्या होगी, दिव्या का हाइट ले लो 4.9। उसके बाद सीता, क्लास सेवेंथ के लिए सीता का हाइट मान लो 5 फीट। उसके बाद अनीस ले लो, अनीस का हाइट है मान लो 6 फीट, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा हाइट है, क्या है? हाइट है। मान लो अनीस का 6.4 ले लो, ठीक है। तो ये हाइट है सारे स्टूडेंट का, हमने ले लिया। अब हमको फाइंड करना रेंज, इन स्टूडेंट में से रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है कि रेंज इक्वल हाईएस्ट, हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट। याद रहेगा, याद रखिएगा, HI होता है, E नहीं होता है, HIGHT।
हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट, हाईएस्ट हाइट किसका है, अनिस का है 6.4। यहाँ से क्या लिखेंगे, ये 6.4 माइनस लोएस्ट हाइट किसका है, सबसे लो किसका है, देखो तो लोएस्ट है नेहा का 4.9 है, 4.9 है तो लिखेंगे 4.9। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे एक क्या ला रहे हो आप, रेंज ला रहे हैं तो रेंज इक्वल लिखते रहो, रेंज इक्वल। अब 6.4 में से 4.9 को माइनस करेंगे तो हम रफ में आ जाते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, 6.4 में से 4.9 को माइनस करेंगे, ये नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, ये 14 हो जाएगा, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी ये 5 हो गया, और यहाँ से कैरी ले लिया तो 5 हो गया 1, यानी 1.5 इसका रेंज होगा, 1.5 इसका रेंज होगा। तो देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताएंगे, पहली बार है थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, एक बार फिर से बताएंगे समझ में आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन कहा था फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, मतलब आपके क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और उनके बीच के हाइट जो है वो हाइट के बीच रेंज निकालिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सीरियल नंबर से 10 स्टूडेंट ले लिए, उनका नाम दे दिए और उनका जितना हाइट था वो हमने दे दिया। अब कितना भी हाइट दे सकते हो, जो हम लिए वही नहीं ले सकते हो, आपके क्लास में जो नाम होगा वो नाम ले सकते हो, जो उनका हाइट होगा वो हाइट ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, नाम ये सब देने के बाद, हाइट देने के बाद आपको क्या करना है, रेंज बताना है। तो रेंज निकालने के लिए, कभी भी रेंज निकालने के लिए इनमें से सबसे हाईएस्ट जो हाइट है उनको लिख लेंगे और उसमें से लोएस्ट हाइट को माइनस कर देंगे, यानी जो आएगा वो हमारा रेंज आ जाएगा। समझ में आया बात, बहुत ईजी है ध्यान से करोगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है।